देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रहा है बच्चों, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसके लिए रेट कांस्टेंट जो आपके पास में के है वो के कितना दिया है 60 सेकंड इनवर्स, ठीक है। और बोल रहे हैं व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड इन विच 1/10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये बोल रहा है कि आपके पास में रेट कांस्टेंट है 60 और बोल रहा है जब आपके पास में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाए 1/10 हो जाए, कितना हो जाए 1/10 हो जाए, तो उस टाइम पर आपके पास में टाइम कितना होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1/10 होने में टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर दिया होगा आपके पास में देखो व्हाट विल बी द टाइम, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या डाटा गिवन है, हमारे पास में के दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। और जब भी कोई रिएक्शन जाती है तो हमेशा ऐसे कर दिया करो, रिएक्शन को शो करो कि मान लो ये रिएक्शन है आर से पी, ठीक है। जब भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ना दे तो मान लो आपके पास में क्या दी गई है आर नॉट, तो ये टी बराबर कितने टाइम पर हो जाएगी 0 सेकंड पे। अब आपको बोला गया टी बराबर, हमें टाइम पता नहीं है कितना टाइम है, लेकिन ये आर नॉट कितना हो जाएगी आर नॉट बाई 10, देखो कितना होगी 1/10 होगी आपके पास में। तो जब ये आर नोट से आर नोट 1/10 होती है तो आपके पास में टाइम कितना लगता है ये कैलकुलेट करना है। और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, के टी बराबर 2.303 लॉग 10 आर नोट अपॉन आर टी। बताओ टी कैलकुलेट करना है, के कितना दिया है हमें, के कितना दिया है हमें, के दिया है 60 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लोग आर नोट कितना दिया हुआ है, आर नोट को मान लेंगे आर नोट, और आर टी कितना दिया हमारे पास में, ये जो दिया हुआ है ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर बी, फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास में हो जाएगी रिएक्टेंट की, ये दिया है आर नोट बाई 10। फिर 10 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमें पता है कि लोग 10 की वैल्यू जो होती है कितना होती है 1 होती है। तो 10 जैसे ऊपर जाएगा t बराबर 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10 की पावर है 10, और लॉग 10 की पावर 10 का मान कितना होता है बच्चों वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो भी आएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आपके पास में आ जाएगा t बराबर 2.303 अपॉन 60, और ये जो भी टाइम आपके पास में आएगा ये आ जाएगा सेकेंड में बच्चों, इसमें आ जाएगा सेकंड में, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की न्यूमेरिकल की, देखिएगा आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है और क्या कैलकुलेट करना है। ये बोल रहा है आपके लिए कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन दी गई आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बोल रहा हैज ए रेट कांस्टेंट, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू दी है के की 1.15 इनटू 10 की पावर माइनस में 3 सेकंड इनवर्स, ठीक है। और ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, ये बोल रहा है कि 5 ग्राम से जब रिएक्टेंट 3 ग्राम में जाएगा रिड्यूस होगा तो कितना टाइम लेगा। तो हमें डाटा क्या क्या दिया है, देखो ऐसे लिख लो, एक रिएक्शन है आर से टी में जा रही तो टी बराबर 0 सेकंड पर, क्या बोला t बराबर 0 सेकंड पर r नोट जो होगी इनिशियल कंसंट्रेशन वो आपको कितना दी गई है 5 ग्राम, इसकी आपके पास में जो यहां पर रिएक्टेंट को कितना दिया गया है 5 ग्राम दिया गया है, और बोलेंगे t बराबर t पर ये कितना हो गया rt, ये हो जाएगा आपके पास में 3 ग्राम। तो हमें इस t की वैल्यू क्या मतलब t कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला लगाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, हम क्या बोलेंगे kt बराबर 2.303 log 10 आर नोट अपॉन आर टी, ठीक है बच्चों। हमें टी कैलकुलेट करना है 2.303, के की वैल्यू कितना दी गई है हमें यहाँ पर 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर लॉग 10 आर नोट 5 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हमें 3 ग्राम दिया है बच्चों। और इन लास्ट वीडियो हमने बात की थी अगर लॉग ए अपॉन बी होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या लिख सकते हैं इसको, log 10 a अपॉन b अगर हमारे पास में आता है तो उसको हम क्या ले सकते हैं log a माइनस में log b, ठीक है। अब log 5 की वैल्यू कितनी होती है, हमें 0.70 लेनी है,
और लॉग थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.48 होती है बच्चों। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, हमारे पास में आपके पास में ये टी हो गया, ये 2.303, ये अपॉन हो जाएगा 1.15 × 10⁻³, और इसको लिख देंगे लॉग 5 माइनस में 3। तो लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपके पास में, देखो लॉग 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.70, और लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48। जब इनको 0.70 में से 0.48 को आप माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बच जाएगी, 0.22 बच जाएगी आपके पास में। कितना बच गया, 0.22 बच गया बच्चों। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास में इसको जो भी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास में, सेकंड में आएगा जो भी टाइम हमारे पास में होगा। जैसे कि मान लो बात करते हैं, अगर इसको ओवरऑल सोल्व करते हैं तो इस तीन को मान लो यहाँ से हटा दो, ये दो पॉइंट से दो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर जैसे ही माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस के 2 ये प्लस के 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 10⁻⁵ ये हो जाएगा आपके पास में। ये यहाँ पर 10⁻³ दी गई है, ये नीचे कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा आपके पास में, ये ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा आपके पास में। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये माइनस है, ये किसका है आपके पास में, प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस का, ओवरऑल किस में बच जाएगा, प्लस में बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 44, ये आ जाएगा आपके पास में 440 सेकंड के आसपास। कितना आंसर आएगा, यहाँ पर जो टी आएगा वो आएगा 440 सेकंड। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।